दर्शकों, आपका स्वागत है। आज हम वर्तमान क्षण में जीने की कला, ध्यान करने की कला की खोज के लिए एक यात्रा पर निकले हैं। हमसे जुड़े क्योंकि हम ध्यान प्रथाओं का पता लगाते हैं, जो हमें अतीत से छुटकारा पाने, भविष्य के बारे में चिंताओं से छुटकारा पाने और यहाँ और अभी में गहरी शांति पाने में मदद करते हैं। खंड एक, वर्तमान क्षण की शक्ति। वर्तमान क्षण में जीना एक परिवर्तनकारी अभ्यास है, जो हमें जीवन की समृद्धि का पूरी तरह से अनुभव करने की अनुमति देता है। इस खंड में हम वर्तमान क्षण की शक्ति पर प्रकाश डालेंगे और यह आर्ट ऑफ लिविंग परंपरा के भीतर ध्यान प्रथाओं के साथ कैसे संरेखित होती है। वर्तमान क्षण में जीना, ध्यान जीने की कला के माध्यम से हम जीवन के सच्चे सार की खोज करते हैं। खंड दो, दिमागीपन का सार। माइंडफुलनेस वर्तमान क्षण में जीने की कुंजी है। यह समझने में हमारे साथ जुड़े कि कैसे माइंडफुलनेस का अभ्यास हमारी जागरूकता को तेज करता है, जिससे हमें हर पल का आनंद लेने और ध्यान भटकाने की अनुमति मिलती है। सचेतनता के माध्यम से हम स्वयं को यहीं और अभी में स्थापित करते हैं। खंड तीन, जीवन जीने की कला, ध्यान तकनीक। आर्ट ऑफ लिविंग परंपरा के भीतर कई ध्यान तकनीकें हैं, जो विशेष रूप से हमें वर्तमान क्षण में जीने में मदद करने के लिए डिजाइन की गई है। इन प्रथाओं का अन्वेषण करें और कैसे वे हमें गहन उपस्थिति के लिए मार्गदर्शन करते हैं। इन ध्यान प्रथाओं के माध्यम से हम वर्तमान क्षण से जुड़ते हैं। खंड चार, वर्तमान क्षण जीवन का प्रभाव। वर्तमान क्षण में जीने से हमारे जीवन पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ता है। यह जानने में हमारे साथ जुड़े कि यह अभ्यास कैसे हमारी मानसिक और भावनात्मक भलाई को बढ़ाता है, तनाव को कम करता है और आंतरिक शांति की भावना को बढ़ावा देता है। वर्तमान क्षण में जीने से हम जीवन की उथल पुथल के बीच शांति पाते हैं। खंड पाँच, वर्तमान क्षण जीवन की दर्शक कहानियाँ। हमें दर्शकों से उल्लेखनीय कहानियाँ मिली हैं, जिन्होंने वर्तमान क्षण में जीना, ध्यान जीने की कला के माध्यम से गहरा परिवर्तन देखा है। आइए जीवन बदलने वाले इन अनुभवों का जश्न मनाएं। आपकी कहानियाँ हम सभी को वर्तमान में पूरी तरह से जीने की राह पर प्रेरित करती हैं। खंड छह, निर्देशित वर्तमान क्षण ध्यान। अब आइए खुद को एक निर्देशित वर्तमान क्षण ध्यान सत्र में डुबो दें। इस अभ्यास का उपयोग विकर्षणों को दूर करने, वर्तमान से जुड़ने और आंतरिक शांति पाने के लिए करें। वर्तमान क्षण के ध्यान के माध्यम से हम वर्तमान की सुंदरता को अपनाते हैं। खंड सात, दैनिक जीवन में सचेतनता से जीना। वर्तमान क्षण में जीना केवल ध्यान सत्र तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। यह जानने में हमारे साथ जुड़े कि कैसे इस अभ्यास को रोजमर्रा की जिंदगी में सहजता से बुना जा सकता है, हमारे अनुभवों को समृद्ध किया जा सकता है और दुनिया के साथ हमारे संबंध को गहरा किया जा सकता है। सचेतन रूप से जीने के माध्यम से हम हर पल को अर्थ से भर देते हैं। खंड आठ, उपस्थिति की यात्रा जारी है। वर्तमान क्षण में जीने की यात्रा एक आजीवन पथ है। पता लगाएं कि उन्नत तकनीकों का निरंतर अभ्यास और अन्वेषण वर्तमान का आनंद लेने की हमारी क्षमता को और कैसे समृद्ध करता है। वर्तमान क्षण के जीवन के माध्यम से हम आंतरिक शांति की अंतहीन खोज पर निकलते हैं। खंड नौ, समापन विचार। जैसे ही हम वर्तमान क्षण में जीना, ध्यान करने की कला की अपनी खोज समाप्त करते हैं, याद रखें कि वर्तमान क्षण एक उपहार है जो खुलने की प्रतीक्षा कर रहा है। आर्ट ऑफ लिविंग मेडिटेशन अपने खजाने को खोलने की कुंजी प्रदान करता है। आशा है कि यह वीडियो वर्तमान जीवन की परिवर्तनकारी शक्ति के लिए एक प्रेरक परिचय के रूप में काम करेगा। खंड दस,
वर्तमान क्षण में जीवन और तनाव में कमी। तनाव अक्सर अतीत के बारे में सोचते रहने या भविष्य की चिंता से उत्पन्न होता है। पता लगाएं कि आर्ट ऑफ लिविंग परंपरा के भीतर वर्तमान समय में रहने की प्रथाएं तनाव कम करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण कैसे बन जाती है, जिससे हमें जीवन की चुनौतियों के बीच शांति पाने में मदद मिलती है। वर्तमान क्षण में जीने के माध्यम से हम जीवन की उथल पुथल के बीच शांति की खोज करते हैं। खंड 11, वर्तमान क्षण में जीवन और आत्मकरुणा। आत्मकरुणा हमारी भलाई के लिए महत्वपूर्ण है। यह समझने में हमारे साथ जुड़े कि कैसे वर्तमान क्षण की जीवन शैली आत्मकरुणा का पोषण करती है, जिससे हम अपने प्रति दयालु और अधिक क्षमाशील हो सकते हैं। वर्तमान क्षण में जीवन जीने के माध्यम से हम अपने दिलों में करुणा बढ़ाते हैं। खंड 12, वर्तमान समय में जीवन और बेहतर रिश्ते। हमारे रिश्ते तब फलते फूलते हैं जब हम अपने प्रियजनों के साथ पूरी तरह मौजूद होते हैं। यह जानने में हमारे साथ जुड़े कि कैसे वर्तमान क्षण की जीवन शैली हमारे रिश्तों में गहरे संबंधों, सहानुभूति और अंतरंगता को बढ़ावा देती है। वर्तमान जीवन के माध्यम से हम अपने रिश्तों को बढ़ाते हैं और समझ के पुल बनाते हैं। खंड 13, दर्शकों के प्रश्न और उत्तर 2। आइए वर्तमान क्षण में जीना, ध्यान जीने की कला के बारे में अपने दर्शकों के सवालों का जवाब देना जारी रखें। आपके प्रश्न और सहभागिता अमूल्य है और हम मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए यहाँ है। नीचे दिए गए टिप्पणियों में अधिक प्रश्न या विषय साझा करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें, जिन्हें आप भविष्य के वीडियो में हमसे पूछना चाहते हैं। खंड 14, वर्तमान क्षण में जीना और रचनात्मकता। रचनात्मकता तब पनपती है जब हम वर्तमान में पूरी तरह डूब जाते हैं। यह जानने में हमारे साथ जुड़े कि कैसे आर्ट ऑफ लिविंग परंपरा के भीतर वर्तमान क्षण की जीवन पद्धतियां हमारी रचनात्मक चिंगारी को प्रज्वलित करती है, जिससे हम खुद को और अधिक प्रामाणिक रूप से व्यक्त कर सकते हैं। वर्तमान समय में जीवन जीने के माध्यम से हम रचनात्मक प्रेरणा के माध्यम बन जाते हैं। खंड 15, वर्तमान क्षण जीवन और आध्यात्मिक संबंध। वर्तमान क्षण में जीने से आध्यात्मिक संबंध बढ़ता है। यह जानने में हमारे साथ जुड़े कि कैसे ये प्रथाएं गहन आध्यात्मिक अनुभवों का द्वार खोलती हैं, हमें जीवन के पवित्र आयामों से जोड़ती हैं। वर्तमान क्षण में जीने के माध्यम से हम सांसारिक और दिव्य को जोड़ते हैं। खंड 16, वर्तमान क्षण जीने की यात्रा जारी है। वर्तमान क्षण में जीने की यात्रा एक आजीवन पथ है। जाने की उन्नत तकनीकों का निरंतर अभ्यास और अन्वेषण वर्तमान को पूरी तरह से अपनाने की हमारी क्षमता को कैसे समृद्ध करता है। वर्तमान क्षण में जीवन जीने के माध्यम से हम आंतरिक शांति की अंतिम खोज पर निकलते हैं। खंड 17, समापन विचार 2। जैसे ही हम वर्तमान क्षण में जीना, ध्यान करने की कला की अपनी विस्तारित खोज को समाप्त करते हैं, याद रखें कि वर्तमान क्षण सुंदरता और ज्ञान का खजाना है। इसे पूरी तरह अपनाना आपके लिए एक उपहार है। इन प्रथाओं में गहराई से उतरने और वर्तमान क्षण में जीने की अपनी यात्रा जारी रखने के लिए नीचे दिए गए विवरण में लिंक की गई आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की वेबसाइट पर जाएं। यह वीडियो वर्तमान क्षण में जीने के आपके मार्ग पर एक प्रेरक मार्गदर्शक के रूप में काम कर सकता है। खंड 18, वर्तमान क्षण में प्रकृति में रहना। प्रकृति वर्तमान क्षण में जीने के लिए उत्तम पृष्ठभूमि प्रदान करती है। यह जानने में हमारे साथ जुड़े कि कैसे प्राकृतिक दुनिया से जुड़ने से वर्तमान को पूरी तरह से अपनाने की हमारी क्षमता बढ़ती है, शांति और जुड़ाव की गहरी भावना को बढ़ावा मिलता है। प्रकृति में वर्तमान क्षण में रहकर हम पृथ्वी के साथ सामंजस्य पाते हैं।
खंड 19 वर्तमान क्षण का जीवन और शारीरिक स्वास्थ्य। पूर्ण रूप से मौजूद रहने से हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को लाभ होता है। पता लगाए कि आर्ट ऑफ लिविंग परंपरा के अंतर्गत वर्तमान क्षण की जीवन शैली कैसे बेहतर शारीरिक कल्याण में योगदान करती है, जिसमें तनाव कम करना और बेहतर समग्र स्वास्थ्य शामिल है। वर्तमान जीवन के माध्यम से हम एक स्वस्थ शरीर और दिमाग का पोषण करते हैं। खंड 20 वर्तमान क्षण जीवन में कृतज्ञता की भूमिका। कृतज्ञता वर्तमान क्षण की समृद्धि को बढ़ाती है। यह जानने में हमारे साथ जुड़े कि कैसे कृतज्ञता का अभ्यास यहाँ और अभी को पूरी तरह से अपनाने की हमारी क्षमता को बढ़ाता है, संतुष्टि और खुशी की भावना को बढ़ावा देता है। कृतज्ञता के माध्यम से हम वर्तमान के साथ अपना संबंध गहरा करते हैं। खंड 21 दर्शकों के प्रश्न और उत्तर 3। आइए वर्तमान क्षण में जीना, ध्यान जीने की कला के बारे में अपने दर्शकों के सवालों का जवाब देना जारी रखें। आपके प्रश्न और सहभागिता हमें प्रेरित करते रहेंगे और हम मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए यहाँ हैं। कृपया नीचे टिप्पणी में अपने विचार और प्रश्न साझा करते रहें। खंड 22 वर्तमान क्षण का जीवन और मन की स्पष्टता। मेजबान चर्चा करते हैं कि कैसे वर्तमान क्षण का जीवन मानसिक स्पष्टता को बढ़ाता है। बुद्धिमानी पूर्ण निर्णय लेने के लिए मन की स्पष्टता आवश्यक है। पता लगाएं कि वर्तमान क्षण में जीने का अभ्यास हमारी मानसिक क्षमताओं को कैसे तेज करता है, जिससे हम जीवन की चुनौतियों को अधिक स्पष्टता और फोकस के साथ स्वीकार कर सकते हैं। वर्तमान क्षण में जीने के माध्यम से हम जीवन पर एक स्पष्ट दृष्टिकोण प्राप्त करते हैं। खंड 23 वर्तमान क्षण में जीना और जाने देने की कला। अतीत और भविष्य को छोड़ना वर्तमान क्षण में जीने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह समझने में हमारे साथ जुड़े कि आर्ट ऑफ लिविंग परंपरा के अंतर्गत वर्तमान क्षण में रहने की प्रथाएं हमें आसक्ति से मुक्त होने और वर्तमान में स्वतंत्रता पाने में कैसे मदद करती है। वर्तमान क्षण में जीने के माध्यम से हम वर्तमान की स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। खंड 24 समापन विचार 3। जैसे ही हम वर्तमान क्षण में जीना ध्यान जीने की कला की अपनी विस्तारित खोज समाप्त करते हैं, याद रखें कि वर्तमान क्षण वह है जहां जीवन वास्तव में प्रकट होता है। यह वीडियो आपको गहन उपस्थिति की अपनी यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरित करे। इन प्रथाओं में गहराई से उतरने और वर्तमान क्षण में जीने की अपनी यात्रा जारी रखने के लिए नीचे दिए गए विवरण में लिंक की गई आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की वेबसाइट पर जाएं। यह वीडियो वर्तमान क्षण को अपनाने की आपकी राह में प्रेरणा के एक शाश्वत स्रोत के रूप में काम कर सकता है। खंड 25 वर्तमान क्षण में जीवन जीना और निर्णय लेना। जानकारी पूर्ण निर्णय लेने के लिए उपस्थिति की आवश्यकता होती है। यह जानने में हमारे साथ जुड़े कि कैसे वर्तमान क्षण में जीने का अभ्यास हमारी निर्णय लेने की क्षमताओं को बढ़ाता है, जिससे हमें अपने मूल्यों और लक्ष्यों के अनुरूप रास्ते चुनने में मदद मिलती है। वर्तमान क्षण में जीवन जीने के माध्यम से हम ऐसे विकल्प चुनते हैं जो वास्तव में हमारे सार से मेल खाते हैं। खंड 26 सचेतन संचार की कला। प्रभावी संचार उपस्थिति में निहित है। पता लगाएं कि आर्ट ऑफ लिविंग परंपरा के भीतर वर्तमान समय में रहने की प्रथाएं हमारी बातचीत में स्पष्टता और गहरे संबंधों को बढ़ावा देते हुए सचेत रूप से संवाद करने की हमारी क्षमता में सुधार कैसे करती है। वर्तमान क्षण में जीने के माध्यम से हम दिल से संवाद करते हैं। खंड 27 वर्तमान क्षण में जीना और आत्मखोज। आत्मखोज वर्तमान क्षण की जीवित यात्रा का एक अभिन्न अंग है। यह समझने में हमारे साथ जुड़े कि कैसे ये प्रथाएं हमारे भीतर का दर्पण बन जाती हैं
हमारे वास्तविक सार और उद्देश्य को प्रकट करती है। वर्तमान क्षण में जीने के माध्यम से हम अपने अस्तित्व की गहराइयों को उजागर करते हैं। खंड 28 वर्तमान क्षण के जीवन की दर्शक कहानियां 2। हम दर्शकों की और भी अविश्वसनीय कहानियों के साथ वापस आ गए हैं, जिन्होंने वर्तमान क्षण में जीना आर्ट ऑफ लिविंग मेडिटेशन के माध्यम से गहरा परिवर्तन देखा है। आइए जीवन बदलने वाले इन अनुभवों का जश्न मनाते रहें। आपकी कहानियां हम सभी को वर्तमान में पूरी तरह से जीने की राह पर प्रेरित करती रहती हैं। खंड 29 वर्तमान क्षण में जीवन और भावनात्मक लचीलापन। भावनात्मक लचीलापन एक उपहार है जो हम वर्तमान समय में जीने से प्राप्त करते हैं। जाने कि कैसे आर्ट ऑफ लिविंग परंपरा के भीतर ये अभ्यास हमें अधिक भावनात्मक ताकत और स्थिरता के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए सशक्त बनाते हैं। वर्तमान क्षण के जीवन के माध्यम से हम भावनात्मक लचीलेपन की नींव बनाते हैं। खंड 30 उपस्थिति की यात्रा जारी है 2। वर्तमान क्षण में जीने की यात्रा एक आजीवन पथ है। पता लगाएं कि उन्नत तकनीकों का निरंतर अभ्यास और अन्वेषण वर्तमान का आनंद लेने और प्रामाणिक रूप से जीने की हमारी क्षमता को कैसे समृद्ध करता है। वर्तमान क्षण के जीवन के माध्यम से हम आंतरिक शांति और आत्म खोज के लिए एक अंतहीन खोज पर निकलते हैं। खंड 31 समापन विचार 4। जैसे ही हम वर्तमान क्षण में जीना ध्यान करने की कला की अपनी विस्तारित खोज समाप्त करते हैं, याद रखें कि वर्तमान क्षण ही वह जगह है जहां जीवन का असली जादू रहता है। यह वीडियो आपको उपस्थिति के उपहार को अपनाने के लिए प्रेरित करे। इन प्रथाओं में गहराई से उतरने और वर्तमान क्षण में जीने की अपनी यात्रा जारी रखने के लिए नीचे दिए गए विवरण में लिंक की गई आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की वेबसाइट पर जाएं। यह वीडियो आपकी पूर्ण उपस्थिति के मार्ग पर प्रेरणा के एक शाश्वत स्रोत के रूप में काम कर सकता है। वर्तमान क्षण में जीना ध्यान की कला के इस विस्तारित अन्वेषण में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। आपकी उपस्थिति और सचेतनता के प्रति प्रतिबद्धता वास्तव में सराहनीय है। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और इसे अन्य लोगों के साथ साझा करें जो आंतरिक शांति और वर्तमान क्षण के साथ गहरा संबंध तलाश रहे हों। साथ मिलकर हम अब की सुंदरता का जश्न मनाते हैं।